फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है, कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने इस संबंध में निश्चित नहीं हूं तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने इधर आकर छोड़ दिया है। मैं जो इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं वो, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। अपने बारे में शायद इतना कह देना ही काफी होगा कि सड़क के फुटपाथ पर चलते अचानक जिस आदमी से आप टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ मुझे घूर कर देख लेते हैं, उसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसीलिए आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है, वही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में और मुझ। बहरहाल इस गणित की पहली में कुछ नहीं रखा है, बात इतनी सी है कि विभाजित होकर मैं किसी ना किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं, और यही कारण है कि इस नाटक के अंदर हो या बाहर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है, उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं, और मेरे होने से सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार है, उसकी विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता, सब कुछ इसी तरह निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, और वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक फिर भी अंत तक इतना ही अनिश्चित बना रहता, और यह निर्णय करना कठिन हो जाता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, स्त्री की, परिस्थितियों की, या फिर हम तीनों के बीच में से उठते कुछ सवालों की। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई पर पेश कर रहा हूं, हो सकता है नाटक भी एक निश्चित रूप ले सकता हूं किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या फिर परिस्थितियों में कुछ हेर फेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। Hello, I'm Johnny Cash.
कहां से देगी? ओ, ये हाल है इस लड़की का, फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा भी शर्म नहीं आती कि रोज रोज कहां से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के? अशोक बाबू, ये कमाई करते रहे हैं दिन भर, एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेबर्न, शर्ले मैकलिन, जिंदगी काट रहे हैं तस्वीरों के साथ। और बड़े साहब यहाँ कारगुजारी कर गए, सारा दिन घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो कम से कम अपने कपड़े तो ठिकाने से रख ही सकता है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई में छोड़, नहीं आकर उठाऊं तो उठाऊं। अरे आ गई दफ्तर से, लगता है बस जल्दी मिल गई। ये अच्छा, दफ्तर से आओ तो घर पर कोई दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए थे तू? कहीं नहीं, यही बाहर था मार्केट में। और ये क्या हाल है इस लड़का, रोज आने पर कम से कम 50 चीजें इधर उधर बिक्री मिलती। मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। अब क्या दे दो, पहले खुद भी तो देख सकते थे। और ये चाय, चाय किस किसने पी थी? ये अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे उठाकर तुम चल दो? किन्नी को दूध दे दिया था? वो मुझे दिखी नहीं अब तक। दिखे तब ना, जब घर पर रहे कोई। मैं बस थोड़ी देर के लिए निकला था बाहर। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे, वो अभी थोड़ी देर में फिर आने वाला है, तब तो रहोगे ना घर पर। कौन आने वाला? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है, तो 5 मिनट के लिए यहाँ पे भी आएगा। ओफ़, मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगती, कितनी बार कह चुकी हूँ। तुमने कहा होगा उसे आने के लिए। तो कहना फर्ज नहीं बनता क्या मेरा, आखिर मेरा बॉस है। अरे तो बॉस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं करती हूँ ना उसकी माता। किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा, लोगों को तो ईर्षा होती है मुझसे कि दो बार पहले भी यहाँ आ चुका, आज तीसरी बार आएगा। तो लोगों को भी पता वो आता है ना? क्यों, कुछ बुरा है इसमें? मैंने कहा है बुरा, मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छा। तुम तो जो भी कहते हो ना उसका सब मतलब मुझे समझ में आता है। तो अच्छा यही है, मैं कुछ ना कह के चुप रहा करूँ, और अगर चुप रहूँ तो? तुम चुप रहते हो और ना कोई। पहले जब जब आया मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे, क्योंकि दोनों बार घर पर नहीं थे। उसने क्या, आदमी को काम नहीं हो सकता क्या बात? हाँ, वो तो तुम्हें आज भी हो जाएगा। जाना तो है मुझे आज भी, पर अगर तुम जरूरी समझो मेरे यहाँ रहना तो मैं। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं, वैसे एक प्याली और चाय चाहिए थी? मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। बना रही हो तो बना लो मेरे लिए। अच्छा सुनो, उसका क्या हुआ, वो जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? अरे जब होगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अरे पर होगी भी, उसी के इंतजार में बैठे हो क्या? बहुत अच्छा, मार दिया। लो अब, अरे इसमें देखो ये हड़ताले तो सभी जगह हो रही है। तुम्हें सचमुच में कहीं जाना था क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ आता। ओह, जुनेजा के यहाँ? हाँ हाँ, वो आओ। फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम उसे मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। हाँ दिखाओ मुंह। और वो 6 महीना बाहर काम करके आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो जिसमें मेरे लिए भी कुछ। तुम्हारे लिए तो न जाने वो क्या क्या करेगा इस जिंदगी में, पहले ही कुछ कम किया है क्या उसने? कितनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, जाने कहाँ से आ जाती है। तुम तो नहा की कोसती रहती हो उसे, उसने हमेशा मेरी मदद ही करनी चाहिए। ना करता मदद तो इतना नुकसान तो ना होता जितना उसकी मदद करने से होता। तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि। उठो यहाँ से, झाड़ लेना तो मुझे। अरे यहाँ क्यों खड़े हो, वहां चले जाओ, वहां हो गया ऐसा। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, दोबारा फिर क्या हुआ, वही पैसा जुनेजा ने लगाया वही तुमने लगाया,
एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, लेकिन फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे खड़े क्यों हो गए हो। क्यों, मैं खड़ा नहीं हो सकता? हो तो सकते हो, लेकिन घर के अंदर मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता कि पता तो मुझे अभी भी चल रहा है। नहीं चल रहा। अरे उन दोनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से? जो कुछ लगाया था उन्हें शुरू में निकाल लेकर खा लिया। और किसने खा लिया? मैंने। नहीं नहीं मैंने। पता कितना खर्च था उन दोनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सी में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज लिया गया था, लड़का लड़की की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ाई जाती थी, उसमें तो पैसा खर्च होता नहीं था। तुम लड़ना चाहती हो? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने घर से चले जाओ। वो आदमी आएगा तो न जाने क्या सोचेगा, क्यों इनके आदमी को रोज रोज काम बाहर निकल आता है। हो सकता है सोचे मैं ही बाहर भेज देती हूँ तुम्हें जानबूझ कर। मुझसे पूछ के तो आता नहीं है कि हर वक्त मौजूद रहा करूँ उसके लिए मैं। हाँ हाँ तो कह दूंगी, तुमसे पूछ के आया करे, इतने बिजी आदमी जो हो तुम, न जाने कब कौन सी बोर्ड मीटिंग में जाना पड़ जाए तुम्हें। तो बस आम आदा ही रहती हर वक्त। तो आ गया है ना जुनेजा लौट कर, रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? अगर रहा भी मैं बाहर 3 दिन घर के, तो आखिर किस वजह से? वजह का पता या तो तुम्हें होगा या तुम्हारे लड़के को, क्योंकि वो भी 3-3 दिन घर से गायब रहता है। मेरा मुकाबला उससे करती हूँ? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जैसे तुमने खार किए ना अपनी जिंदगी, वैसे वो भी कर रहा है आजकल। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी खार करने की इसे किसने ली है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था किसी के साथ घर से भाग जाने की। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या, चाय बना लो, पानी हो गया होगा। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी इस घर में किसी को बुलाने की सोचती हूँ, मुझे पता होता तुम यही सब बातें करो। वैसे 1000 बार कहते रहते हो लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए तो सिंघानिया तो लगवा ही देगा जरूर, इसीलिए तो आता है बेचारा यहाँ चलकर। जरा भी शुक्र नहीं मनाते कि इतना बड़ा आदमी। मैं नहीं शुक्र मनाता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता है मैं हमेशा शुक्र मानता हूँ। पहले जगमोहन आता था, फिर मनोज आने लग गया था। और क्या क्या रह गया कहने, वो भी तुम सब कह डालो जल्दी से। क्यों, जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुम्हारे हवास गुम होने शुरू हो गए? ये नाशुक्रे आदमी तुम हो ना, उससे तो मेरा मन करता है कि मैं। बिल्ली आई है बाहर, फिर उसी तरह आई होगी। तुम जाकर देखोगे क्या चाहिए उसे। 50 पैसे तो होंगे ना तुम्हारे पास, होंगे तो सही, दूध के पैसों में से बचे होंगे। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए अपने ऊपर, किस अखबार के। थोड़ी देर के लिए आई होगी, पर्स में सिर्फ 1 ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं था। हो सकता है कहीं और से आ रही हो। बात को वैसे ढकने की कोशिश क्यों करती हो, एक बार उसे पूछती क्यों नहीं खुलकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें, मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी, तो मैंने हवा बांध रखी थी मनोज ये है वो है जाने क्या है। अगर तुम्हारी शहर से उसका इस घर में आना जाना होता तो क्या ये नौबत आती कि लड़की उसके साथ बाद में जाकर इस तरह। तो तुम ही क्यों नहीं पूछ लेते जो भी तुम्हें पूछना है? मैं कैसे पूछ सकता? क्यों, तुम क्यों नहीं पूछ सकते? अरे मेरा पूछना ऐसे गलत है कि? तुम्हारा तो कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत ही होता है, मुझे नहीं पता। तुम्हें सब पता, अगर मेरे करने से होता ना सब कुछ इस घर में तो। हाँ तो न जाने और क्या क्या बर्बादी हुई होती, जो 2 रोटी मेरी नौकरी से मिल जाती है ना वो भी ना मिलती, और ये लड़की भी घर में बैठी बैठी बुढ़ा जाती, लेकिन किसी को ये फकर फिरक ना होती कि तुम।
ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तब जाकर कुछ होश आए। आजकल के दिनों में तो क्या बात है मम्मा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मैं प्याले रसोई में रखता हूँ। मम्मा, डैडी, क्या बात है डैडी? बात? हाँ? बात कुछ भी नहीं है बेटा। है तो सही कुछ ना कुछ बात। वो ऐसे ही तेरी मम्मा भी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं उससे कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे? तेरे बारे में बात कर रहा था। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो आ गई, उसी से पूछ ले। मम्मा, डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तू उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वे कहते हैं तुम बतलाओगी, तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं। अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती हो तो रहने दो बात को। पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह से तू आती है आजकल वहां से, इन्हें कहीं लगता है वैसे तुम्हें नहीं लगता? क्या लगता है? यही कि कुछ है जो तो अपने मन में छिपाए रहती, हमें नहीं पता। मेरी किस बात से लगता है ऐसा? अब कहो ना इसके सामने वो सब जो मुझसे कह रहे थे। अरे तुमने बात शुरू की है, तुम भी पूरा कर डालो। देख, मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हूँ। तू खुश है ना वहां पर? हाँ मम्मा, बहुत खुश। सचमुच खुश? तो क्या ऐसी कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं है। तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ वहाँ पे? आदमी जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। तो मेरे चेहरे से ऐसा क्या झलकता है कि मुझे टीबी हो गया है, मैं घूल घूल कर मरी जा रही हूँ? ये टीबी होता है उस आदमी का? और क्या क्या होता है डैडी? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते या होंठ झड़कर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी माँ ने तुझसे पूछा, उसी से बात कर। मैं इस मारे पड़ता ही नहीं इन चीजों में। अच्छा ठीक है, तू छोड़ इस बात, मैं आगे से तुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछूंगी। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा, जिंदगी किसी तरह कटती चलती है हर आदमी की। ये हुआ कुछ जवाब? तुम चुप रहोगे थोड़ी देर? मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हुआ। अब आप चाहे जो कह ले, मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकले। तो होती है ट्रीट। तू सच सच बता, तुझे वहां किसी चीज की कोई शिकायत है? शिकायत किसी चीज की नहीं। तो? और हर चीज की। पर फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं। और सभी बातें खास है। जैसे? जैसे सभी बात। तुझे कहने का मतलब है कि? मेरे कहने का मतलब है, शादी से पहले मुझे लगता था मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर ऐसा लगता है कि वो जानना बिल्कुल जानना ही नहीं। तो क्या उसके चरित्र में कोई ऐसी बात? नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं। इस लिहाज से तो वो बहुत साफ आदमी। तो क्या उसके स्वभाव में कुछ ऐसा है जो? उसका स्वभाव हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुश दिल कहना चाहिए उसे। तो फिर क्या? यही तो मैं भी नहीं समझ पाती कि कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक। और सेहत? बहुत अच्छी। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है फिर तो। शिकायत किस बात की है? तुम बात को समझने दोगे मुझे? अगर इनमें से कोई शिकायत नहीं है किसी चीज की तुझे, तो फिर तो वजह या तो बहुत खास है या वो मैं यहाँ नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। क्या का? हवा? हाँ, हवा। ये वजह बताइए इसने, हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझ। शायद समझा भी नहीं सर, किसी दूसरे को तो क्या मैं अपने को भी नहीं समझा सकती। मामा, ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक ही हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करने लगे? तुम लोग ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकती हूँ। तू इधर आ, यहाँ बैठ कर बात कर। नहीं, मैं ठीक हूँ इसी तरह। देख,
तूने जो बात कही है अगर वो सच है तो क्या उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी अड़चन नहीं? जो पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ में वो छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देर, ये छोटी छोटी बातें अड़चने नहीं होती है मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और जैसे मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिससे मैं उसे बाहर निकाल दूं। और आखिर वो सीमा आ ही जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। उसे वो एक ही बात कहता है। क्या बात? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कोई ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो कभी भी किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है। वो क्या? कि इसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वो कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो? और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही है। पर बात तो मेरे घर की हो रही है ना। तुम्हारा घर तो मेरा घर नहीं है। क्या तो तुम नहीं है? तुम इसे अगर अपना घर समझते ना तो कह दो तुम जो कुछ कहना चाहती हो आज। 10 साल पहले कह देना चाहिए था जो मैं कहना चाहती हूँ। तो अब कह दो, इससे पहले कितना साल? 11 साल हो जाए। नहीं होने पाएंगे 11 साल अगर यही सब चलता रहा। नहीं होने पाएंगे सचमुच। बहुत अच्छा आदमी है जगमोहन, और अब तो दिल्ली उसका ट्रांसफर भी हो गया। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा घर मिलने किसी दिन। डैडी ऐसा क्या कह दिया मैंने? उस आदमी की तारीफ ही तो की है। कर लो तारीफ और भी जिस चीज की हो सके तुमसे। और ये मनोज आज जो तुमसे ये सब कहता, पहले खुद आके यहाँ रहा करता था, रात दिन रहा करता था, तब उसको पता नहीं चला था। मैं उसे नहीं पूछती हूँ मम्मा। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है, कैसे बताऊँ क्या लगता, वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है उससे मुझे अपने अंदर से अजब से चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास के हर एक चीज को लेकर तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं, उसे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है, तो सोचती हूँ कि इसको जाकर कहीं कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, तो चाहती हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूं, कोई ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अपने अंदर से तिलमिला उठे। पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती हूँ, और जब नहीं कर पाती हूँ तो खींच कर तू यहाँ आ जाती है। नहीं, कई कई दिनों के लिए अपने कोष से काट लेती हूँ, पर फिर सारी चीजें उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम वापस उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा अपना घर है। हाँ, मेरा अपना घर। मैं यहाँ आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या है वो चीज जिसे लेकर बार बार मुझे वहीं किया जाता है। तुम बता सकती हो मामा, क्या है वो चीज, कहाँ है वो इस घर में, इस घर की खिड़कियों में, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, अशोक में, किन्नी में, कहाँ छिपी हो मनु उस चीज जो वो कहता है कि मैं इसी घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। बताओ ना मामा, कहाँ है वो मनोज चीज जो वो कहता है कि मैं इसी घर से लेकर गई।
रही हूँ तू? बताओ, चलता है कुछ? पता, स्कूल से आई थी तो घर पर कोई भी नहीं था, अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी हैं, बिन्नी दी भी है, पर सब ऐसे चुप है जैसे। तू अपनी बता, आती चली कहाँ गई थी? कहीं पे भी चली गई थी, घर पर कोई था तो उसके पास बैठती। यहाँ दूध गर्म हो गया मेरा? अभी हुआ जाता है, अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो पैसे नहीं होते पास में, घर आओ तो घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गर्म। कहा ना, अभी हुआ जाता है। तुम जा रहे हो या नहीं? जाऊं? जा रहा हूं मैं ही। और तू आज फिर एक किताब फाड़ लाई अपनी? अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? और आज से लाएगी क्लास में, फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा कि वो मुझे, मिस की बात बाद में करना, पहले ये बता कि रोज कहती हो बाद में करना। आज भी मुझे रीलों का डब्बा ला कर ना दिया ना, स्कूल नहीं जाऊंगी मैं कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने, तेरी मिस जान को रोग लगा रखा। तो निकाल लो ना मुझे स्कूल से, जैसे वो शोके मारा मारा फिरता सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है ना वो तेरा, क्यों फिरता नहीं है मारा मारा सारा दिन? तुम जब यहाँ थी तो क्या कुछ नहीं कहा करती थी उसके बारे में? वो तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, मैं फिर एक ही साल क्यों ना बड़ा हूँ? बड़ा तो है ना। मम्मा, तुमने इस लड़की की जुबान बहुत खोल दी है। अगर यही बात मैं कह दूं ना इससे? तो कह लो जो जो तुम्हें कहना, फिर देख लेना क्या है। कहता ही नहीं कभी कुछ, जा रहा दूध गर्म करने इसका। ओ मम्मा, आज मुझे रीलों का डब्बा जरूर चाहिए। मिस बैनर्जी ने सभी लड़कियों से कहा है कि फाउंडर्स डे पीटी के लिए तीन तीन लेकेट होने को। कितनी? तीन तीन, सभी लड़कियों को लाने हैं। और तुमने बोला था कि इस हफ्ते मेरे क्लिप और मोजे जरूर आ जाएंगे, आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहन कर जाने में स्कूल। अच्छा सुन, तू अपना स्कूल का बैग यहीं खुला छोड़ गई थी, मैंने आके बंद किया, जा इसे पहले अंदर आकर। तुमने मेरी बात सुन ली? सुन ली। तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजे की बात, ही कह रही है बैग रख कर आऊँ तो। हम कह पाते थे कब इतनी बार? उसकी आधी बात भी कह दे तो रासे ऐसी कस दी जाती थी कि। क्या कहा तूने? मैंने कहा कि तुम सोच रहे थे क्या कुछ? नहीं, बस देख रही थी, और कुछ समेटने को तो नहीं? कोई आने वाला है अभी बाहर से तो? कौन आने वाला है? इंद्रानिया, इसका बॉस, वो नया आना शुरू हुआ है यहाँ। मम्मा, क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं। फिर भी कहा ना कुछ नहीं? तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक अपने मन पर लाती रहोगी? मम्मा सुनो तुम मेरी बात, तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही। मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुनो। अब मुझसे नहीं होता है बिल्ली, अब नहीं संभलता मुझसे। जो तुमसे नहीं संभलता वो और किसे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ? जब से बड़ी हुई हूँ तब से देख रही हूँ, सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने इस घर के लिए हलाक करती रही। और हुआ क्या है इससे? तुम्हें सारे घर में ये धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? सुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। मम्मा 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 देख लो, शोकी मुझे परेशान कर रहा है। चिल्ला क्यों रही है इतना? चिल्ला इसलिए रही हूँ क्योंकि शोकी अंदर। और ये शोकी, शोकी क्या लगा रखा है? अशोक पापा जी नहीं कर सकती उसे? अशोक पापा जी वो। और ये अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोचती थी कि वो बड़ा सो रहा था, तब तक मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचे। कौन सो रहा था? मैं बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया तुमने? हां, वो फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूं, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? मेरी बात सुनी नहीं किसी ने, अंदर मेरे बाल खींच रहा था, बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। मैं एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। क्या उम्र है इस लड़की की? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है, और 13 साल ही बड़ी होना चाहिए उसे। बच्ची नहीं है वो कि उसके बाल खींचता रहे तू? तब तो सचमुच मुझे अपनी गलती माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए। कि मैंने खामखा इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ, मैंने नहीं ली इसकी कोई किताब। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने किताब देखी भी नहीं। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रख कर सोए तो कुछ नहीं, मैंने जरा सा देख लिया तो। मैं देख सकता हूँ? नहीं, वो मार के देखने की नहीं है। अब फिर पूछो मुझसे कि इसकी उम्र कितने साल है। क्यों अशोक, ये वही किताब है ना? क्या सुनोगा? रुक,
पहले मैं यहाँ किसी से ये जान सकता हूँ कि मेरी उम्र कितने साल है? अब ऐसा क्या कह दिया किसी ने कि तुम? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये तुम्हें पूछ के जानना है? पूछ कर ही जानना मुझे आज? कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का भार लेते और उसमें से कितने साल बीते मेरी इस परिवार की देखरेख करते, और उस सबके बाद मैं आज पहुंचा कहां हूं? यहां कि जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो मुझसे बदतमीजी पेश आता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी, अरे के पास देखने की वजह होती है, इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी यही हैसियत इस घर में कि जो जिस वजह से कुछ भी कहते मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की कोच, क्या बस यही कमाई है मेरे इतने सालों की? किसे सुना रहे तुम ये सब? किसे सुना सकता? कोई है यहाँ जो सुन सकता? जिन्हें सुनना चाहिए वो तो रबर स्टैम्प के अलावा मुझे कुछ नहीं समझते, बस जरूरत पड़ने पर उस स्टैम्प को ढप्पा लगाकर। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने? मामा मुझे पूछ लेने दे इनसे, रबर स्टैम्प के माने क्या होते? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, और ये सब कब कब मिला इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? किसी माने में नहीं, मैं इस घर में एक रबर स्टैम्प भी नहीं हूं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक भी ऐसी वजह कि क्यों रहना चाहिए मुझे इस घर में? नहीं बता सकता ना। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात पूछी थी। हाँ, छोटी बात तो है ये, अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब बाहर के लोगों से मिलता है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ भी बना है, आगे बन सकता है, तो केवल बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो आज तक बिगड़ता आया और आगे भी बिगड़ सकता है। ये आज तक बेकार भी घूम रहा मेरी वजह से। ये एक रात को घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी आज तक क्यों जाती रही हो? सुन रहे हो ना तुम सब लोग, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, और फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं। घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में सर लगा। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम सचमुच ये महसूस करते हो। सचमुच महसूस करता हूं, मुझे पता है मैं कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया, पर अब पेट भर गया मेरा, हमेशा के लिए भर गया, और बचा भी गया यार जिसे खाने के लिए रहता रहूं मैं। आ जाएंगे रात तक, हर शुक्र शनिचर यही होता है यहाँ। तुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? टोस्ट की कोयला। तू यहाँ आएगी एक मिनट? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट किटपिट, खाने को ये कोयला है, अब इधर जाके इनके तमाचे ही और खाने हैं। मैं देखता हूँ उस लड़की को। सुन, पहले मैं जाकर इसे, पहले तू इधर आओ, मेरी बात सुन। बताओ। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना, वो आदमी फिर आने वाला है अभी थोड़ी देर में। मम्मा का बॉस, क्या नाम है उसका? अच्छा, वो आदमी। तू मिला उससे? दो बार। कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी की खातिर? मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उससे? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना? मुझे नहीं चाहिए नौकरी, और उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। क्यों, उस आदमी को क्या? चुकंदर है वो आदमी, है जिसे ना बैठने का शौक है ना बात करने का। 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता। 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता, पर इतना होश नहीं है कि अपनी पतलून के बटन। अशोक, अगर तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांग बजा रहे आप सोच कुछ रहे हैं, और जाके खुजलाते देख किसी तरह में, और बातें मुझसे कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं रात दिन जानमारी करती। पहले 5 सेकंड तो आदमी की आंखों में देखता रहे,
और फिर हर एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछे, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज, युवा लोगों में अराजकता। तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किसको लेकर? अपने आप को लेकर। मुझे क्या हुआ है? तुझे भी जिंदगी में कुछ करना धरना है या अपने बाप की तरह हर बात में उनका जिक्र खामखा बीच में क्यों लाती हूँ? पढ़ाई की तो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रीज में नौकरी दिलाई वो भी 6 हफ्ते में छोड़ के चला आया, और अब मैं इसके लिए नए सिरे से कोशिश करना। क्यों करना चाहती हो कोशिश? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने? तो नौकरी के सिवाय ये मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी दिलचस्पी अंदर से नहीं है तो तेरी। मामा तू ठहर, बात कर लेने दे मुझे इससे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में, दिन भर उगने में, तस्वीरें काटने में और घर की ये चीज। घर कहती हो तुम तो, तू इसे क्या सोच कर रहे थे? मैं इसे यहाँ देख अशोक, मम्मा के ये सब कहने का सिर्फ इतना मतलब है। मैं नहीं जानता मतलब, तू चली गई यहाँ से लेकिन मैं अभी भी यहीं रहता हूँ। तो क्यों ना फिर तू भी यहाँ से बात कर रही हो? मम्मा कैसी बातें कर रही हूँ मैं? इस घर के लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? एक मशीन जो सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन, दिन को रात करती रहेगी, लेकिन किसी को भी यहाँ ये फिक्र नहीं कि कैसे मैं। अरे अरे आ गए आप, आइए ना, आइए आइए। अच्छा यही है वो लड़की, तुम चर्चा कर रही थी इसकी, इसी को परीक्षा हुआ था ना पिछले साल? ना 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 ना, वो तो मिसेस माथुर की लड़की का हुआ था। नहीं शायद कर हुआ था किसी लड़की का ऑपरेशन। आइए ना आप यहाँ बैठ। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अरे 5 मिनट है, 7 बजे हैं। उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं, कई लोगों को बुला रखा उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। तुमने बताया था इसके विषय में कुछ, किस कॉलेज में आए? नहीं नहीं कॉलेज में नहीं आप। हाँ हाँ बताया था तुमने, बैठो ना। बैठ जाओ तुम। हाँ बैठ ना, खड़ी क्यों है? ये जल्दी चले जाएंगे तो सोच रही थी चाय का पानी। ना 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 ना, चाय लाता है इस समय? चाय तो मैं वैसे ही पीता, एक लेख में पढ़ा था मैंने, रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा था कि अधिक चाय पीने से। तो रीडर्स डाइजेस्ट में क्या चीज बनाते हैं अपने यहाँ, तो ये कहानी है वो कहानी है, कोई अच्छी पत्रिका मिलती नहीं पढ़ने को। एक अमरीकन आया हुआ था पिछले दिन। बात ऐसी है मामा कि मुझे जरा उस। तू बैठ यहाँ, एक प्याली चाय भी नहीं लेंगे? ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के साथ तो सभी देशों के लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। अभी पिछले दिन तो जापान का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था। कुछ भी कहिए, जापान ने इन सबकी नाक में नकेल कर रखा है। अभी मैं पिछले वर्ष की जापान की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा हूं। मुझे कहा ना रुक, कॉफी पसंद करते हो आप तो? न चाय न कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में, आज की बात नहीं है कई साल पहले की बात है, तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री हुआ करता था। साहित्यिक गतिविधियों में तो रुचि आरंभ से ही थी। बैठ जाओ तुम लोग। बात ऐसी है कि मुझे जरा उस काम की। बैठ मैं नमकीन लेकर आती हूँ। कहीं देखा है? नहीं देखा मुझे आपने? नहीं तो किसी इंटरव्यू में? नहीं। फिर भी लगता है देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। विचित्र बात नहीं है ये? क्या? कि कई लोग एक जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं, पीठ से देखो तो मोरारजी भाई लगते हैं, और हमारी आंटी है और गर्दन काट के देखो तो जीना लालो वृद्धा नजर आती है। कई लोग होते हैं जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि तो नहीं आया घर पर, तो मैं कह रहा था कि कह रहे थे कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो और वो जापान की औद्योगिक क्या थी तू? उसकी बात नहीं कर रहे थे?
कोई घटना की बात सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में। ये लीजिए। बिलो? नहीं नहीं, आप कहिए। बैठ लो। तो आपको उस विषय में कुछ सोचा आपने? किस विषय में? मैंने बात की थी ना आपसे कि कोई ठीक ठाक सी जगह हो आपकी नजर में, तो बहुत स्वादिष्ट है। याद है ना आपको? याद है, तुमने किसी के बारे में बताया था, अपनी कजन के लिए कहा था ना? ना, ना, ना। वो तो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? इसके लिए। क्या पास किया है? बीकॉम? नहीं नहीं, मैंने बताया नहीं था आपको, बीएससी कर रहा था। तीसरे साल में बीमार हो गया बेचारा। तो बताया था तुमने। उधर दूर क्यों बैठे हैं आप, यहाँ रहिए पास में। जी मुझे जरा देश का जलवायु वैसा क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से मुझे सबसे अच्छा तो देश लगता है वो है इटली। पिछले दिनों बहुत यात्रा पर था, पूरा यूरोप घूमा, मगर इटली से अच्छा देश मुझे कोई नहीं लगा। तुम्हें पता इटली की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? स्वाद पांच नहीं होगा तो यही कोने में एक दुकान है। अच्छी दुकान है। मैं प्रायः कहा करता हूँ, खाना और पहनना इन दो दृष्टियों से। वो अमरीकन भी तो यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इधर के खान पान और पहनावे में, और वही क्या सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं तो कहता हूँ कि शीत युद्ध को कम करने में हमारी जो वास्तविक देन है वो यही है कि अब तुम अपनी साड़ी को भी देख लो, कितनी साधारण है फिर भी लगता है कि ये हड़तालों का चक्कर हमारे देश में ना हुआ होता तो हमारा वस्त्र उद्योग भी आज। अच्छा तुमने वो नोटिस पढ़ा जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया? हाँ। कितनी बेतुकी बातें लिखी उसमें, हमारे यहाँ डीए पहले से ही था। तो क्या कह रहा था मैं? आप कह रहे थे कि सही बातें कह रहे थे। हाँ, पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। हाँ, पर उसके बाद? उसके बाद रूसी जर्मन शीत युद्ध हड़तालें वस्त्र उद्योग और वो डीए। चीज स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि आप लीजिए ना थोड़ा सा। नहीं नहीं और नहीं, थोड़ा सा। अच्छा तुम कहती हो तो देखिए, जैसे भी हो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूर है। किसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? कौन सा? ओ ओ, मैंने बताया नहीं था, तीसरे साल में बीमार कर पड़ गया था। देखूंगा मैं, देखूंगा। तुम घर आओ किसी दिन, बहुत दिन से नहीं आई हो। हाँ मैं भी सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। अरे बेबी पूछती रहती है तुम्हारे बारे में, आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई? बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, बिन माँ की बच्ची है ना बेचारी। देखूंगा। अशोक जा रहे हैं? जा रहे हैं यार, नहीं क्या इतनी देर रुकूंगा। तुम नहीं नौकरी करती? जी नहीं, करना चाहती है ना। हाँ नहीं, डरती है अपने पति से उसको पसंद नहीं है ना। ये लड़की नहीं, इसका नौकरी करना। अच्छा अच्छा। तो आपको ध्यान रखेगा ना इसके लिए? इसके लिए मेरा मतलब है अशोक के लिए। तुम तो आओगी? नहीं तुम्हें को बता दूंगा, दफ्तर की भी कितनी बातें कर ली, वो जो झगड़ा चल रहा है यूनियन का। हाँ मैं तो आऊंगी, मैं चाह रही थी एक बार आप इससे भी मिल लेते। देर हो रही है। अच्छा एक बात बताएंगे आप, ये जो हड़ताले हो रही है सभी क्षेत्रों में आजकल, इसके विषय में क्या सोचते हैं? हड़तालों के विषय? क्या हुआ, कुछ पूछा इन्होंने तुमसे? हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है अपने देश में तो पकड़ लिया। इतने तरह का कीड़ा पाया जाता है कि मसल दिया है। मसल दिया? ये हिंसा की भावना बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ भर लग जाए बस। और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्राय कहाँ कह
करता हूँ। बैठो तुम लोग। नहीं मैं चलती हूँ सड़क तक आपके साथ। अपने देश के नैतिक मूल्य के उत्थान के लिए। वो भाषण सुना है तुमने? वो जो आए हो आजकल क्या नाम उनका? निरोध महर्षि। यही नाम है ना? कितना अच्छा भाषण सुनाते हैं। जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे, पर भाषण वाह वाह। अब ये किस बात पर? एक्टिंग देगी। किसकी? मेरी। वो तो उल्लू बना रहा था मुझे। कौन किसको उल्लू बना रहा है? क्यों? उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा 5,000 तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है? नहीं लगता। और ये सिर पर क्या है? वो सींग बनाए थे, फिर काट दिए। वो कहते हैं ना सींग नहीं होते। चलो बाहर जाएगा तू? क्यों? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही उनकी। क्या हुआ? पता नहीं, शायद बैटरी डाउन हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। चला जा जल्दी से, पहले ही देर हो रही है। एक बार नौकरी दे देगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ धक्का लग पाएगा। जाने क्या होने को है इस लड़के का, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये तेरे हाथ में क्या? ये तो वो है, वो जो बना रहा। क्या बना रहा था? देखो दादी क्या बना रहा था। बैठे बैठे इसे भी बस। ये चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं लगता। कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा ना? तो लगता तो है कुछ कुछ। ये तो उस आदमी का चेहरा है जो अभी अभी यहाँ से गया है। ये करतूत कर रहा था? क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की। इधर आ। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक इस इंजन का सवाल है। ये क्या बना रहा था तू? आपको क्या लगता है क्या बना रहा था तू? एक आदिम बन मानव। क्या बन मानव? नाटक मत कर, ठीक से बता। अब देखती नहीं ये लपलपाती जी और ये रिश्ती गुफाओं सी आंखें? मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? कुछ नहीं कहना है? क्या कह सकता हूँ? नहीं कह सकता है तो मत कह। लेकिन मैं मिन्नत खुशामद करके लोगों को इस घर में बुलाऊं और आने पर तू उनका मजाक उड़ाए, उनके ये कार्टून बनाए, ये मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को जिनके आने से? हाँ हाँ बता क्या होता है जिनके आने से? कुछ नहीं, मैं इसीलिए चला जाना चाहता था बाहर। तू बात पूरी कर पहले अपनी। जिनके आने से जितने छोटे हैं और छोटे हो जाते हैं अपनी नजरों में। मतलब वही जो मैंने तुमसे कहा, आज तक जिस किसी को बुलाया तुमने किस लिए बुलाया? तुझे क्या लगता है किस लिए बुलाया? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक तो वो इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरा उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया तुमने किसी इंसान को नहीं बुलाया, उसके नाम उसके रुतबे उसकी दौलत को बुलाया तुमने। और तू कहना चाहता है कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ? पता नहीं किस लिए बुलाती हूँ, पर बुलाती सिर्फ ऐसे लोगों को ही। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें बताओ किस लिए बुलाती? इसलिए बुलाती हूँ ताकि इस घर का किसी तरह कुछ बन सके, कि मुझ अकेली पर बहुत बोझ है इस घर का, उसे मेरे साथ ढोने वाला कोई हो सके। मैं अगर कुछ खास लोगों के संग संबंध बना के रखना चाहती हूँ तो वो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। लेकिन तुम लोग इससे छोटे हो जाते तो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ कोशिश। लेकिन एक बात कहकर, अब मुझसे अकेले इस घर का बोझ ढोया नहीं जाएगा। एक आदमी जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पे हाथ धरे बैठा, और दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर रहा, मेरे सर फोड़ने पर भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता, तो अब ऐसे में मुझसे भी नहीं निभेगा। जब किसी को कोई दर्द नहीं है किसी चीज का, तो मैं ही क्यों चीखती रहूं अपने आप को दिन रात? मैं भी क्यों ना सुरखुरू होकर बैठ रहूं एक कोने में? उससे तो तुम लोग छोटे नहीं होगे ना? चुप क्यों बैठा है बताना, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या नया तरीका सोच रखा है तुमने? बात को रहने दो मामा, नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम। जिससे मैं क्या? कह जो भी कहना है तुझे। कुछ नहीं कहना मुझे। कुछ नहीं कहना है मुझे, सिर्फ तस्वीरें काटनी है बैठ के राजा मुन्ना को। कितनी तस्वीरें काटी राजा मुन्ना ने, अगर कुछ नहीं कहना था तो पहले करिए अपनी जबान। तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? देखो पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की भी कोई बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। ये तू भी जानता है कि मामा तो फिर भी कर रही है बात। क्यों कर रही है बात? मत कर किसी से भी बात। आज
आज वक्त आ गया है जब मुझे ही अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्यों कह रहा है? कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं उमलता है तो क्यों निभाई जाती है? मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है, और ये बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। तेरे कहने का मतलब है कि मम्मा ने जो कुछ भी किया है? मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती थी। तू घर छोड़कर चली गई? किन्ने के लिए करती है? वो दिन ब दिन और बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है क्योंकि हालत देखकर तरस नहीं आता, और सबसे ज्यादा ना तेरे लिए करती है वो। और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज्यादा नाकारा हूँ। पर क्यों हूँ ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम अपना तो बता ही सकती हूँ। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी, और खुद तुझे ये गुट्टी अपने लिए बहुत कमजोर नहीं लगती। मुझसे भी कह रहा है कि मैं कह रहा था मत कर बात। तूने क्या बात कही है पता है ना तुझे? पता है ना? तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी देख लेना। मेरे पास जीने के लिए बहुत साल नहीं बचे, लेकिन जितने बचे हैं उन्हें मैं इसी तरह निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो होना था इस घर का हो चुका, अब मेरी तरफ से ही उसका अंत है, निश्चित अंत। जो उधार मिल सके ले आ बनिए से। मैं उधार में फोन भी कराया। कहाँ? जुनेजा अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई तेरी? नहीं। तो? जुनेजा अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? अब बात हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में। अशोक कहा नहीं आएंगे? नहीं आने? नहीं। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? वैसे ही बैठकर चीज सैंडविच बना रही हूं। मुझे लगा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसीलिए कह रही है। मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए? शायद चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे उन्हें खिला दे। कहाँ है? आएंगे? मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं, 6:30 तक आए शायद। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वो आकर बात कर। चेहरा देखा था तूने मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त? मैं पढ़ा ही नहीं सामने, रात से ही चुप थी। सुबह तो जो पहले कभी नहीं देखा हूँ। बात हुई तेरी कुछ? हाँ बस ये चाय वाय के बारे में। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई है, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। देखा ना तूने? झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। मैंने सोचा कि दफ्तर से कहीं और जाएंगे, पर कहा 5:30 तक लौट आएंगे रोज की तरह। तूने पूछा था? इसीलिए पूछा था ताकि उसी हिसाब से मैं अपने प्रोग्राम पर, पर सच कुछ पता ही नहीं चला। किस चीज का? यही कि मन में क्या सोच रही। कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे कि जैसे मन में सचमुच कोई फैसला कर लिया। और तो अच्छा नहीं है? तू अच्छा कहता है इसे? इसलिए कि हो सकता है कुछ ना कुछ हो इससे। क्या हो? कुछ भी, जो चीज बरसों से एक जगह रुकी है वो रुकी नहीं रहनी चाहिए। तो अशोक तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी ना किसी एक नतीजे तक पहुंच जाए, और तू नहीं चाहती। मुझे तो तेरी बातों से डर लगता है आजकल। पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? पता नहीं, सही भी नहीं लगती। हालांकि
ये डब्बा स्क्रीन कटर से नहीं खुलेगा, स्क्रीन और कितनी मर चुकी है कि। तो क्या करें फिर? कोई और चीज नहीं है। मैं कैसे बता सकती हूँ, तो इतनी बेचैनी महसूस करती हूँ इस घर में कि। पहले नहीं करती थी? पहले महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और महसूस करना शुरू किया तो पहला मौका मिलते ही इस घर से चली। तो फिर कल वाली बात कह रहा है? बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ इस घर में, और महसूस करना शुरू किया मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से महसूस शायद पहले भी करता था, और सोचना तभी से शुरू किया। और सोच कर जाना है कि एक खास चीज, ये खास चीज है। कहता है? और कौन कहता है? कोई भी, पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? तुझसे ही तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है तू कैसे? मुझसे जाना है उसे, मैं नहीं समझी। ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आती अपने आप को कैसे दे? तो बस हमेशा ही। देख अशोक, मैं तुझसे बस इतना कह रही थी भाई, ये डब्बा खुला कर ला, कहीं से कहीं नहीं खुलेगा तो फिर कहाँ क्यों रहा है तेरा? अभी खुला जाता है, बस एक तेज औजार चाहिए, एक मिनट नहीं लगेगा। कैसे कहता है? सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, किन्नी कहाँ रहती है लड़की? किन्नी स्कूल जाते वक्त रोना की जब तक चीजें नहीं आएंगी नहीं जाऊंगी, और अब देखो किन्नी पता ही नहीं चलता इस लड़की का, फिर जाएगा भाई। क्या बात हुई है? पूछ ले इसे। माय गॉड, क्या बात हुई है? क्या कर रही थी तू? बोलो क्या कर रही थी? कर नहीं कह रही थी किसी से कोई। क्या? पूछ ले इसे। बोलती क्यों नहीं? जुबान सिल गई है तेरी? सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह आपस में। क्या? पूछ ले इससे, अभी बता देगी तुझे सच, जो बाहर सुरेखा को बता रही थी। वो बता रही थी कि मैं बता रही थी उसे? तू बता रही थी? वो बता रही थी। तू बता रही थी, और अचानक खड़ा मुझे पीछे देखा तो लगी भागने। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी? तू भागी थी, और मैंने पकड़ लिया दौड़कर, तो लगी वहां पर चिल्लाकर सबको बताने कि मामा से मेरी शिकायत करता है, और मामा घर पर नहीं इसलिए मैं इसे पीट रहा हूं। सच कह रही है? बात सुरेखा ने शुरू की थी वो बता रही और थी। तुझे शौक है जाने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी आपस में? आपस में नहीं, यही तो बात थी। चुप रह अशोक, इसे कभी कोई कुछ नहीं कहता है, रोज किसी ना किसी बात पे पीट देता है मुझे। क्यों पीट देता है इसे तू? क्योंकि मैं अपनी चीजें ले जाने देती इसे उसे देने। किसे देने? भाई जो है इसकी, कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां देगा, कभी मेरे प्राइज में जीता हुआ फाउंटेन पेन देगा, और अगर मैं मम्मा को बताऊं तो लगता अकेले में मेरा गला दबा ले। अच्छा, किसकी बात कर रही है? अजय बक रही है झूठ मूठ। हाँ झूठ मूठ, मेरा फाउंटेन पेन दे रही वो वर्णा के पास नहीं है? वर्णा कौन? वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जूतियां लटकाता फिरता है। तू ठहर जा, वर्णा जान का इसकी जवान जिस तरह खुल गई है। मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। एक प्याली ले लेना। अशोक पत्ती खत्म हो गई है। मैं नहीं लूंगी चाय। सबके लिए बना रही हूँ एक एक प्याली। मेरे लिए नहीं, पानी रख रही हूँ बस, पत्ती ही तो लानी है। अपने लिए बनानी है बना ले। मैं अकेले पीऊंगी बैठकर। इतने प्यार से चीज सैंडविच बना रही हूँ आज, और मेरा मन नहीं है। मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। तुम घर पर नहीं रहोगे इस वक्त? नहीं, जब मोहन आएगा लेने मुझे। यहाँ आएंगे वो? हाँ लेने आएगा, क्यों?
वो भी आने वाले हैं जुनेजा अंकल। उनका कैसे पता आने वाले हैं? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कि तुमसे कुछ बात करनी है उनको। पर मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। फिर भी जब भी आएंगे तो मामा तो कह देना मैं घर पर नहीं। अगर कहीं इंतजार करते हैं तो करने देना। ये वाला अच्छा है, कब तक सोचती हो लौट आओगी? पता नहीं, बात करने में थोड़ी देर हो सकती है। ये वाला तो और भी अच्छा है। अगर पूछें कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं तो कह देना बता कर नहीं गई, या बता देना जब मोहन लेने आया। कितना कितना गंदा फैला हुआ। समय ठीक बताना ठीक होगा उन्हें। क्यों? तुम तो जानती हो वो जाकर डैडी को बताएगा काम का। तो क्या होगा उससे? जैसे अंदर रखकर होगा यही कि किसी आदमी के संग चाय पीने जा रही, तो चोरी करने नहीं जा रही। तुम्हें तो पता ही है डैडी जब मोहन अंकल को बिल्कुल, तेरे डैडी पसंद भी करते हैं किसी को। फिर भी थोड़ा तुम जल्दी आ सको तो। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शाम को कई काम थे उसको जो उसने मेरी वजह से कैंसिल किए। बेकार आदमी नहीं है कि जब चाह बुला लिया, जब चाह भेज दिया वापस। मैं जरा जा रहा हूँ। तू भी? तू कहाँ जा रहा है? बस यहीं तक, आ जाऊंगा थोड़ी देर। तो जुनेजा अंकल के आने में आ जाऊंगा तब तक। शायद आ ही जाऊंगा। रुक अशोक, कम से कम पत्ती लाकर तो दे देगा। मुझे तुझसे एक बात कहनी है। हाँ, ये सब अंदर रखो, वहाँ भी बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। सोचती हूँ कि जगमोहन अंकल के आने से पहले पहले ये सब तो। जरा सी ही बात करनी है तुझसे। हाँ बताओ। अगली बार यहाँ आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूँ शायद। कैसी बात कर रही हो मामा? मैंने आज जगमोहन को इसीलिए फोन किया। तो अब जो भी, मुझे पता था एक दिन तो आना ही है ऐसा। तो तुमने सचमुच सोच लिया है कि? हाँ बिल्कुल सोच लिया। जा तू अब। थोड़ा और सोच लेती मामा। कब तक और साल पर साल उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दिन, दूसरा दिन, एक साल, दूसरा साल। अब भी सोचू थोड़ा। क्या सोचू, क्यों सोचू? घर दफ्तर सोचो चक चक किट किट। कुछ मत सोचो होने दो जो होता है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगे सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी
से जाएंगे। लोग जालिम है हर एक बात का ताना दे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। बात निकलेगी तो वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी कोई नई चीज नहीं है। बैठ रहे हो? चलना नहीं? बस चल ही रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिस तरह तुमने मुझे फोन किया अचानक, उससे मुझे नहीं लगा कि जो बातें कुकू जो मैं आज वहां पहुंच रही हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ। मुझे आज लगता है कि परेशान नहीं होते, पर सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि घर पर कोई नहीं है, बिन्नी है अंदर, नहीं है वो, पर मैंने तो सुना था कि हाँ आई हुई है कल से। तब का देखा है उसे? कितने साल हो गए? आने ही वाली होगी बाहर, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं सुनने के लिए तो आया हूँ, फोन पर तुम्हारी आवाज सही मैं समझ गया था कि उस वक्त मैं बहुत वो थी। वो तो इस वक्त भी हो। तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। आज जो मेरी हालत है अंदर से, प्लीज जो बोलो, तुम तो जानते ही हो, तुम्हें हो जिस पर मैं कहती क्यों हो, कहने की बात है ये, पर निकल ही आता है मुझसे। देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात कर लूँ। एक सुझाव है मेरा। बताओ। बात जो भी करनी है यही कर लो, उसके बाद बाहर जाकर। ना यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ हो नहीं सकेगी मुझसे बात। अगर तुम कुछ वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में तो। कैसी बातें करती हो तुम, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मैं जानती हूँ तुम्हें गलत नहीं समझती कभी। तो बताओ कहाँ चलोगे? जहाँ तुम कहो। जहाँ मैं कहूँ? हमेशा तुम्हें नहीं तय किया करती थी। अच्छा गिंजा चले, वहाँ वो कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद। पूछो मत, ये कहो गिंजा या यॉर्क्स, वहाँ ज्यादा लोग नहीं होते। मैंने कहा ना। नहीं नहीं ऐसा करते हैं, वो छोटे वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। वहाँ? तब के बाद मैं कभी गई नहीं हूँ। जाता नहीं वैसे अपने वहां, पर तुम्हारा वही कमन है तो चल भी सकते। देखो
एक बात तो मैं तुम्हें बता ही दूं चलने से पहले। कौन सी बात? मैंने कल एक फैसला कर लिया है मन में। तुमने उन दिनों भी सुनी होगी मेरे मुंह से ये सब बातें, लेकिन इस बार सचमुच कर लिया। तुम वहां क्यों चले गए? ऐसे ही ये किताब देखना चाहता था। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ ना शायद मेरी बातों पर? सुन रहा हूं मैं। देखो, मेरे लिए यहां रहकर ये सब सहना पहले भी बिल्कुल असंभव था, लेकिन अब सचमुच में बिल्कुल बिल्कुल असंभव हो गया। तो कहने का मतलब है कि? हाँ, तुम ठीक सोच रहे हो। जोग मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं जिंदगी में। देखो, सच पूछो, तुम्हें अब ज्यादा सोचता ही नहीं उस बारे में। हाँ, मुझे याद है तुम कहा करते थे कि सोचने से कुछ हो तो सोचे भी आदमी। वही तो। लेकिन ये भी तो कि कल और आज में फर्क होता है ना? हाँ, होता है, बहुत बहुत। तो मैं इसीलिए तुमसे कहना चाहती हूँ। हाँ, अंदर जो कपड़े इस तरीके भी। हेलो हेलो, अरे वाह, ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? इतनी सी थी तू तो, कितनी बड़े लगने लगी आप। ये चेहरा निकल आया। उन्होंने फ्रॉक पहना करती थी। पता नहीं किन दिनों। अच्छा, याद है इसने कैसे एक बार मेरे हाथ पे काट लिया था। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ घर से। तो भाग कर रही है? हाँ, आ रही हूँ बस। बहुत ही शैतान थी। घर ही रह जाती है सारी शैतानी। पर मैंने सुना था ये अपनी मर्जी से इसने। हाँ, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी का ही तो फल है कि। पर बात काफी बड़प्पन से करती है। क्यों? और इतना बड़प्पन? तो फिर चले हम लोग। जैसा कहो। कब तक लौटाऊंगी मैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह बता जाऊंगी इसे। तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी कह दो। तो कह देती हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा आने में। कोई आने वाला भी है उसे भी बता देगी। कोई और आने वाला? हाँ, जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम तो जानते ही हो सब। बिन्नी कहाँ चली गई ये लड़की भी अब? इंतजार कर लो। नहीं नहीं, वो आदमी आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है आज और अभी। ठीक है, at your disposal। हाँ, तो फिर चलो। लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगे? नहीं, अभी कोई ना कोई आ ही जाएगा। ठीक है, तुम्हारे ऊपर, जैसा भी तुम्हें ठीक है। मेरे ऊपर? हाँ तो ठीक। बाहर से कब आई थी? कब आई मैं? सब
मारती तो क्या सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे? तुम बताओ ना मम्मा कहाँ है, मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है। कहाँ? सुरेखा के घर? सुरेखा की मम्मी मम्मी बुला रहे, कहती है कि अभी लेकर आओ उन्हें। पर किस बात के लिए किन्नी? अशोक को सबने हमें डांटता देख लिया था तो सुरेखा की मम्मी ने उसे अंदर ले जाके पीटा तो उसने उसे मेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कहा कि मैं सिखाती हूँ उसे ये सब बातें। अच्छा तो सुनेगा कि मम्मी ने मुझे ऐसे डांटा जैसे तुम बताती क्यों नहीं मम्मा कहाँ है। वो लड़की कहती है कि मैं उसी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और भी बुरी बुरी बातें हमारे पूरे घर को लेकर। हमारे घर में किसे लेकर? सबको, तुमको, डैडी को, मम्मा को, अशोक को। तुम बताओ ना मम्मा कहाँ है? बाहर गई है किन्नी। बाहर कहाँ? तुझे हर जगह तो पता है क्या कि कहाँ कहाँ जा सकता है? तुम्हें मुझे को डांट रही हो, मैं नहीं हूँ तो तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? कह रही हूँ नहीं चल सकती। नहीं चल सकती तो मत चलो। किन्नी ये बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? नहीं है तमीज। देख मुझसे ही मार खा बैठेगी। तो मार लो ना मुझसे ही मार खा बैठेगी। ये रोना धोना बंद करती है कि नहीं? नहीं बंद करूंगी। क्यों ना रोना बंद करेगी क्या? रोती रहे बैठकर लड़की ने बैठ के। मैं उसी दरवाजे से आता लेकिन इसे क्या हुआ? इस तरह वहां क्यों बैठी है? जुनेजा अंकल आए, इधर आकर बात कर इनसे। अरे ये तो रो रही है, क्या हो गया मुनिया को? इसने नाराज कर दिया। उठो बेटे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब बड़े हो गए ना, उठे। हाँ बड़े हो गए, पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं कब छोटे हो जाते हैं। अब मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक मम्मा नहीं आ जाती है। नी किन्नी, सावित्री बाहर गई है? मैं कुछ देर पहले ही आ गया था, बाहर खड़ी न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो कुछ देर को पीछे घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यही है, तो ऐसे ही आया था मिलने या फिर? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने जिक्र नहीं किया मुझसे, उसे भी नहीं पता होगा शायद। अशोक मिला था आपसे? हाँ, बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने पूछा तो कहने लगा आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हालचाल लेने। मुझसे भी कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ में ही वापस आ जाएंगे। पर मैंने सोचा जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो एक बार सावित्री से मिलकर ही जाऊं, और फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ा है उसकी वजह से। किसकी बात कर रहे? डैडी की? हाँ, महेंद्रनाथ की। एक तो कल रात से वो सोया नहीं है, और दूसरा तबीयत ठीक नहीं उनकी। तबीयत भी ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं तो समझता हूँ महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है अपनी हालत करने के लिए। चाय बनाऊं आपके लिए? किसके लिए बना बैठी थी इतनी चाय? लगता पी नहीं किसी ने। हाँ वो मैंने बनाई थी, सोच रही थी कि वे लोग जल्दी चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ? पता। ये भी पता है निगुड़े अशोक ने, पर उसके लहजे से मुझे लग गया था कि अच्छा काफी समझदार लड़का है। चीनी कितनी? चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे मना है शायद इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले चलना चाहता था कि उसे पता था जगमोहन का हमेशा जितना। कुछ नमकीन लाओ अंदर से। नहीं बैठ जाइए अंकल। ओ हाँ लीजिए।
घुमाए इस बीच। सुना था कि कहीं बाहर गए थे आप। हाँ गया था बाहर, पर किसी नई जगह नहीं गया। सुषमा का क्या हाल है? ठीक ठाक है अपने घर पर। कोई बच्चा बच्चा? अभी नहीं। कर तो बहुत सी बातें आया था, पर शायद सावित्री घर पे होती तो कुछ बात करता भी, पर अब तो लगता बेकार ही है सब। एक बात पूछूं आप? क्या? डैडी को फिर वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर का? ये भी कोई पूछने की बात है? आप उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? कोई समझा सकता है उसे? वो इस औरत को इतना चाहता है, इतना चाहता अंदर से कि ये आप कैसे कह सकते हैं? तुझे ये बात सही नहीं लगती? कैसे सही हो सकती है अंकल? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या क्या गुजरते देखा, देखा जो कुछ भी हो। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं इस घर में थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं घर में नहीं, किसी चिड़ियाघर के पिंजरे में रहते हूँ। जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके उनके मुंह पर पट्टी बांध कर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर। मैं शायद बयां भी नहीं कर सकती कि कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने। कोई भी दूसरा आदमी इसको देखता जानता तो यही कहता क्यों नहीं बहुत पहले ये दोनों। तूने कोई नई बात नहीं बताई है मुझे? महेंद्र ने मुझे खुद बताता रहा है। सब बताते रहे फिर भी आप कहते? फिर भी कहता हूँ कि वो इस औरत को बहुत प्यार करता है। कैसे कहते हैं ये? वो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे रहते हो। मैं दोनों की नहीं, एक की बात कर रहा था। तो आप सचमुच मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि आज अपनी हालत करने का जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से निर्या कर मुझसे ये ना कह रहा होता कि मैं आऊं और इससे बात करके इसे समझाऊं। तुझे पता है अगर मैं यहां ना आया होता तो क्या हो जाता? महेंद्र खुद यहाँ चला आता बिना इस बात की परवाह किए कि इस ब्लड प्रेशर में उसका क्या हाल होने वाला है, और ऐसा पहली बार ना होता। तुझे पता ही है मैंने किस तरह समझा बुझा कर उसे रोका है, मैं ही जानता हूं। मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भरोसा बचा था कि मेरे यहां आने से, कुछ बात करने से कुछ बात बन सकती है, पर नहीं। बाहर खड़ी न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं बस अपने आप को यहां आकर ही मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, लौटते समय उसके लिए दवाई भी लेनी है। अच्छा अंकल, कौन सी बात? यही, जब मोहन अंकल के आने के बाद। क्यों नहीं बतानी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं जो मैं ना भी बताऊं शायद, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बैठ तू अंकल। आ बेटा। क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? एक दिन के लिए हो सकता है शायद, दो दिन के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए कुछ भी नहीं।
तो इस हालत में क्या यही बेहतर नहीं कि ये दोनों लोग छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दी। चलती क्यों नहीं मेरे साथ, चलो ना। हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी, अभी तक तो घर पर नहीं थी, अब वो तो कहती होगी। तू छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी? बड़ा जोर चढ़ने लगा है तुझे? हाँ चढ़ने लगा है, जब जब कोई बार मुझसे कहता है यहाँ किसी को फुर्सत नहीं होती कि चलकर उससे बात कर ले। सांस तो ले रहे थे, घर में दाखिल नहीं होती तुम्हें। तुम तो बात मत करो मुझसे, मैंने जब कहा था तो मिट्टी के लोंदे की तरह हिली नहीं अपनी जगह से। क्या कहा तूने? कह फिर से भाई बाप। क्या कहा मैंने? कह फिर से भाई बाप। मिट्टी के लोंदे, सबके सब मिट्टी के लोंदे। छोड़ दो लड़की को सावित्री, इस वक्त उस पर पागलपन सवार है, इसलिए आप बीच मत पड़िए। देखो मैंने कहा ना, आप बीच मत पड़िए। मुझे अपने घर में किससे कैसे बरतना है मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। और तू चुपचाप चली जा इस कमरे से, एक लफ्ज भी और निकाला ना तो तेरे ख्याल नहीं। सुना नहीं तूने? नहीं सुना तूने? अंकल आप बैठिए ना। नहीं बेटे अभी मैं जाऊँ। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, बताया था इसने। हाँ पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। अंकल कह रहे थे डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। घर से जाकर तबीयत ठीक रहती है कभी? हर बार का यही किस्सा नहीं? देखिए तुम थकी हुई हो, जो भी बात करनी है आराम से बैठ कर कर लो। मैं बिल्कुल आराम से। हाँ बताइए आप। ज्यादा बात तो तुमसे नहीं करना चाहता, बस एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। हाँ कहिए। क्या किसी भी तरह तुम आज उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है ये। उल्टी बात नहीं है ये, तुमने इस तरह कस रखा है उसे अपने साथ की। मैंने कस रखा है उन्हें अपने साथ? सिवा आपके ये बात और कोई नहीं कह सकता। क्योंकि और कोई उतना जानता भी तो नहीं है जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा यही मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते। नहीं महेंद्रनाथ के बारे में? हाँ और ये जानकारी कहता हूँ कि तुमने इस तरह कस रखा है उसे अपने शिकंजे में कि वो अब अपने दो पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा है। अपने दो पैर? अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो तुम? तुमने जब से जाना है उसे, उसके 10 साल पहले से जानता हूं सर। इसीलिए शायद जब से मैंने उसे जाना है अपने दो पैर रहे ही नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूं सावित्री तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। जरूर जरूर जानते हो, लेकिन अब भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी कभी किसी के सामने नहीं कहती। जैसे? जैसे पर बात तो आप करने आए हैं ना। नहीं तुम बात कर लो पहले। बेटे तू थोड़ी देर उधर चली जा। सुन लेने दीजिए इसे भी, हो सब अगर मुझे बात करनी है। ठीक है यहीं रह तू बिन्नी। पर मम्मा मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ तू यहाँ रहे तो किसी वजह से चाहती हूँ। बैठ जा तुम भी, कह डालो जो जो कहना है तुम। कहने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आदमी किस हालत में एक आदमी होता है? पूछो कुछ नहीं, जो कहना है तो कह डालो। यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वो आदमी ही होता, पर असल में एक आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। महेंद्र को सामने रखकर तुम ये इसलिए कह रही हो कि? इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना उसे हर चीज के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया, और खास तौर से आपका। ये करना चाहिए कि नहीं जुनेजा से पूछ, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जुनेजा की राय ले, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी तो जुनेजा की पसंद, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना हो तो भी जुनेजा की पसंद, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला कैसे लिया था उसने, जुनेजा की हामी भरने से। मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। पर वो
उस भरोसे का नतीजा, उसे अपने ऊपर कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी करना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी सोचना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने आप में, और वो उस पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, मगर असलियत इसकी यह है कि पहले मुझे उस असलियत की बात कर लेने दीजिए जिसे मैं जानती हूं। एक आदमी है, वो अपना घर बसाता है। क्यों बसाता है? अपनी एक जरूरत को पूरा करने। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी अधूरेपन को भर सकने के लिए। इस तरह उसे अपने में अपने आप को पूरा करना होता है, किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में अपनी जिंदगी नहीं काटनी होती। लेकिन आपका महेंद्र, आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब जैसे सिर्फ सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की चीज भर हो, जैसा वो दूसरे उससे चाहते हैं, सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, उस तरह से इस्तेमाल हो सकता है उसका। इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इस काम के लिए कोई और नहीं जा सकता। अरे महेंद्र चला जाएगा, ये कुछ कोई और नहीं ढो सकता। महीन ना ढोलेगा, प्रेस खुली तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महीन ना, और खाने भर चुकने पर महीन ना कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि महीन ना तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका, महीन ना तो अपना हिस्सा पहले ही खा चुका, और उसका हिस्सा ये 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 सब दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें, जिनसे वो सोचता था वो अपना घर बना रहा। महेंद्र वो जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूं, मगर वजह इसकी मैं थी। यही कहना चाहती ना, वो मुझे खुश करने के लिए जल्दी जल्दी ये लोहा लंगड़ घर में भरकर अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। मगर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी थी, ये तो अपने दिल में आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है, उसका घर बार है, बीवी बच्चे हैं। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से कभी रास नहीं है। महेंद्र ने ब्याह क्या कर लिया आप लोगों से, जैसे आपकी कोई चीज छिन गई हो। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं है, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों में बैठ के खिलता नहीं है, महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र नहीं रहेगा। और महेंद्र जी जान से कोशिश करता रहा कि वो किसी तरह वही बना रहे, जिससे कोई उससे ये ना कह सके कि वो पहले जैसा महेंद्र नहीं रह गया। और इसके लिए वो रात दिन अपने घर में छटपटाता है, कभी कभी अपना सर दीवार से फोड़ता है, कभी कभी अपने बच्चों को पीटता है, कभी अपने बीवी के घुटने तोड़ता है। उसके दोस्तों के सर काटने का जो वसीला है ना, वही महीन नाथ के लिए मुख्य काम है उसके जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर वालों का भी यही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला के घर जाने से इनकार कैसे कर सकती? तुम फला से ठीक ढंग से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहती हो? तुम्हें तो लोगों के बीच बैठने उठने की तमीज तक नहीं। एक औरत को ऐसे चलना चाहिए, उसे ऐसे उठना चाहिए, उसे ऐसे मुस्कुराना चाहिए। क्यों क्यों तुम सबके सामने मेरी पोजीशन खराब करती हो हमेशा? वही महेंद्र नाथ जो दोस्तों के बीच दब्बू बना हल्का हल्का मुस्कुराता है ना, वो अपने घर के अंदर आकर एक दरिंदा बन जाता है। कब किसको नोच लेगा, कब किसको फाड़ खाएगा। आज 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 वो अपनी कमीज में आग लगा लेता है, कल
कल वो सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल, वो सब करेगी कि नहीं जैसे मैं कहता हूं? बोल, वो सब मानेगी कि नहीं जैसे मैं कहता हूं? पर सावित्री फिर भी नहीं मानती, वो फिर भी नहीं चलती। उसे नफरत है इन सब से, इस आदमी के ऐसे होने से। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती, एक पूरा आदमी। कभी कभी इस आदमी को ही वो आदमी बनाने की कोशिश करती, कभी कभी तड़प कर इस आदमी से अलग हो जाना चाहती। पर जरा सा भी फर्क पड़ने लगता ना इस आदमी में उसकी कोशिशों से, तो दोस्तों में इस बात का गम मनाया जाने लगता। सावित्री महेंद्रनाथ की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री ने महेंद्रनाथ की रीढ़ की हड्डी तोड़कर बेचारे को किसी लायक नहीं छोड़ा। जैसे आदमी ना होकर बिना हाण मास का पतला हो बेचारा महेंद्रनाथ। बिना हाण मास का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नजर में वो हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतनी सी कमी है उसमें। ये बात आप मुझे बता रहे, जिसने 22 साल साथ जी कर जाना है उस आदमी को। जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है उसे कुछ हद तक, लेकिन जो जो बातें तुमने कही हैं अभी वे गलत नहीं है अपने में, पर 22 साल साथ जी कर जानी हुई बातें वे नहीं है। आज से 22 साल पहले भी लगभग इसी तरह की बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, तुम्हें याद है? आप आज ही की बात नहीं कर सकते, 22 साल पहले न जाने कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हैं आप। मेरे घर हुई थी वो बात, तुम खास बात करने के लिए आई थी वहां, तुमने कहा था कि देखिए अगर आपको उन दिनों की ही बात छेड़नी है तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की, क्या हर्ज है अगर ये लड़की यहीं रुकी रहे तो? जब आधी बात इसके सामने हो चुकी है तो बाकी की आधी भी इसके सामने ही हो जानी चाहिए। लेकिन अंकल मैं, तुम समझती हो मुझे इसके सामने नहीं करनी चाहिए बात। मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही, ठीक कीजिए आप बात। बैठ जा बिन्नी। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढुलते देखा था, तब तुमने कहा था कि बिल्कुल बच्ची थी मैं तब तक, बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह से करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने इसी तरह उधेड़ा था, तुमने कहा था वो बस लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे ऐसा बनाने वालों में तब नाम दूसरों के थे, एक नाम था उसकी माँ का और दूसरे उसके पिता का। हाँ तो ठीक है, उन लोगों की भी कोई कम देर नहीं थी उसे ऐसा बनाने में, पर जुनेजा का नाम तब ऐसे लोगों में नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था कह दो ना, ये भी बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती, बस सिर्फ इतनी सी बात थी। तुम इज्जत कह सकती हो, पर वो इज्जत किसलिए करती थी? इसलिए नहीं, एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नजर में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास बहुत पैसे थे और आप लोगों का बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच में। नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो भी था जैसा भी था महेंद्र नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली क्यों होती? मुझे बात कह लेने दो। तुम उस वक्त मुझसे क्या चाहती थी ये मैं ठीक ठीक नहीं जानता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम महेंद्र को तब भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती।
हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ ही जिंदगी काटती आ रही, पर हर दूसरे चौथे साल अपने आप को उससे झटक लेने की कोशिश करती, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब तुम्हें कोई ऐसा जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने आप को उसे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज जो कुछ भी सोचती हो उसके बारे में ये भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे तुम कुछ दिन चकाचौंध रही वो था शिवजी। बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल बात फिर वही कि वो जो भी था जैसा भी था महेंद्र नहीं था। पर जल्दी तुमने उसे पहचानना शुरू कर दिया कि वो नहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की तरिया थी, पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि वो जो भी था जैसा भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी कि क्यों वो हर किसी के ऊपर एक सा पैसा खर्च करता, दूसरों की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों भी जाता। अच्छा हुआ वो चला गया ऐसे ट्रांसफर होकर, वरना ये खामखा का ताना बाना क्यों बोल रहे हो? असल में जो कहना चाहते वही क्यों नहीं कहते? असल बात सिर्फ इतनी सी है कि इनमें से कोई भी आदमी होता ना तुम्हारी जिंदगी में तो साल दो साल बाद तुम यही सोचती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजी या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर देना, और वो उतना कुछ कभी भी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी तुम जिंदगी शुरू करती अपने आप को इतना ही खाली, इतना ही बेचैन पाती, और वो आदमी भी तुम्हें अपने आसपास अपने कपड़े फाड़ता और सर पड़कता नजर आता, और तुम हंस रही हो। हाँ, पता नहीं हंसी रही हूँ शायद, आप कहते रहे। आज महेंद्र एक कुड़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वो हंसता था, सचमुच हंसता था, पर ऐसा तभी था जब उसे कोई ये साबित करने वाला नहीं था कि किस हर लिहाज से वो कितना हीन और छोटा है, इससे उससे मुझसे तुमसे सबसे। ये तभी था जब उसे कोई ये साबित करने वाला नहीं था कि जो जो वो नहीं है वही वही उसे होना चाहिए और जो वो है। एक उसी उसको देखा है आपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है आपने? देखा है, वो भी देखा है। देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ भर लेना चाहती थी वो धीरे धीरे बाहर फिसलता गया, और कि तुम्हारे मन में एक डर समाता गया जिसके मारे कभी तुम इस घर का दामन थामती रही हो कभी बाहर का, और कि वो डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, पर तुम एकदम दोहरा गई जब तुम्हें मालूम पड़ा कि उतने नाम वाला आदमी रातों रात तुम्हारी लड़की को। क्या कह रहे हैं अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, तू शायद मनोज को आज भी उतना ही जानती, नहीं जानती, और इसीलिए आज उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। क्यों, ठीक नहीं है? बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी कभी महेंद्र कोई और झकझोरने की, कभी अशोक कोई और चाबुक चलाने की, और कभी उन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा अपना सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहां लौट आया, आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ मुड़कर देखना चाहा। आज अभी गई तो थी उसके साथ बाहर, क्या बात है? आपको क्या लगता, आपको मुझसे कुछ भी पूछने, कुछ भी जानने का हक हासिल है? ना सही, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा तुम बहुत बहुत दुखी हो आज, उसने कहा उसे बहुत बहुत हमदर्दी है तुमसे, तुमने कहा तुम किसी भी तरह अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो,
उसने कहा कितना अच्छा होता अगर तुम इस फैसले पर कुछ साल पहले पहुंच सकती होती। तुमने कहा जो तब ना हो पाए वो आज तो हो ही सकता है। उसने कहा वो चाहता हो सकता है, पर आज इन सब के सामने बहुत सी उलझने हैं, बच्चों की जिंदगी को लेकर, इसको उसको लेकर, और फिर उसका मन नहीं लगता इस नौकरी में, ना जाने कब छोड़ दे। इसलिए उसका भी कुछ तय नहीं अपने आप को लेकर, गुमसुम होकर बैठी रही और रुमाल से आंसू पोंछती रही। आखिर उसे ये भी कहा कि अगर तुम्हें रुपए पैसों की जरूरत है तो इसको तो बस जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन चुकी मैं आपसे। अब बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। मोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का मैं सही अंदाजा लगा सकता हूं, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता मैंने भी तुमसे ये सब कहा होता। वो कल परसों फिर फोन करने को कहेगा तुम्हें घर के बाहर उतार गए। तुम मन में घुटन ली अंदर दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए थी सामने एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। मैंने कहा ना बस सबके सब सबके सब आप लोग एक से अलग अलग मुखौटे, चेहरा चेहरा सबका एक सा। और फिर भी तुम्हें लगता रहा कि तुम चुनाव कर सकती, मगर आगे से हटकर पीछे, दाएं से हटकर बाएं, इस कोने से हटकर उस कोने में, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया तुम्हें? बोलो आया नजर? खोलो दरवाजा, खोलो ना। क्या करना है मामा, खोलना है दरवाजा। रहने दे अभी, मगर इस तरह बंद रखोगी तो। मैंने कहा ना मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूं। खोलो, मत खोलो, खुलवा लो ना मुझसे भी। तुम्हारा घर है तुम बेहतर जानती हो, कम से कम मान के तो यही चलते। इसीलिए बहुत कुछ चाहते हो भी अब मुझे कुछ भी संभव नहीं नजर आता। इसीलिए फिर एक बार तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच किसी भी तरह तुम उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? क्यों कर रहे हैं आप बार बार वही बात? इसलिए क्योंकि आज महेंद्र अपने आप को बहुत बेसहारा समझता है। तुमने उसके मन में डर बिठा दिया कि तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कोई चारा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और क्या ऐसा तुमने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि जिंदगी में कुछ हासिल ना हो सके, तो कम से कम एक नाम मुराद मोहरा तो आपने बनाई है? क्यों 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 आप और बातें करते जाना चाहते? अभी आप जाइए यहां से, और हो सके तो उसे भी रखिए अपने पास हमेशा के लिए। इस घर में आना और रहना सचमुच में हित में नहीं है, और मुझे भी उस मोहरे की बिल्कुल जरूरत नहीं, जो ना खुद चलता है ना दूसरों को चलने देता। तो ठीक है, वो अब नहीं आएगा। वो कमजोर है मगर इतना कमजोर नहीं है, तुमसे जुड़ा हुआ मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, इतना बेसहारा भी नहीं जितना वो अपने आप को समझता है। अगर वो देखना चाहे तो पूरी दुनिया उसके आसपास, मैं कोशिश करूंगा कि वो आंख खोल कर देख सके। जरूर जरूर करिएगा, इससे आप उस पर तो उपकार करेंगे, मेरे ऊपर भी उससे बड़ा उपकार नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। तो अब चल रहा हूं, तुमसे जो जो कहना चाहता था कह चुका, अब बाकी की बात उसी से जाकर करूंगा। मुझे पता है कितना मुश्किल होगा ये, पर इस बार मैं उसके दिमाग में बैठा के रहूंगा कि क्या बात है। वापस तू चला आया? ओ बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। छड़ी? वो क्यों चाहिए तुझे? डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार लाना है, उनकी तबीयत काफी खराब है। डैडी लौट आए? तो आ ही गया आखिर वो। हाँ आ ही गए हैं, निकाल देना छड़ी। हाँ। बिन्नी! बिन्नी! नहीं।
using only fans. The magic that you guess. This is love, the unknown. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love. तुमने बोला था कि इस हफ्ते मेरे क्लिप पर मोजे जरूर आ जाएंगे. आ गए हैं. कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर जाने में स्कूल. नमस्कार, मेरा नाम शिवा सिंह है. किन्नी की भूमिका में बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों ऐसे लोगों को घर में, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं और छोटे हो जाते हैं अपनी नजरों में. नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु दुबे. कर दिया और उन बेचारों का जिनका नाम बहुत कम आता सामने अक्सर है नाटक के बाद, उनके नाम को भी दिया. संगीत पंकज कश्यप. इतनी खूबसूरत लाइट स्प्रिंग थी, उसको डिजाइन किया था इंद्रजीत ने. और इनको एसोसिएट उनके सहयोग उनके सहायक थे आशुतोष त्रिवेदी. और
पूर्वाभ्यास प्रबंधक का वैभव कुमार है। प्रस्तुति प्रबंधक निशा तिवारी, भूमिका भी दो गांव। मंच निर्माण जामिया शकील, इसके निर्माता विजय जी और श्याम दुबे जी। श्याम जी और इसके प्रेजेंटर थे प्रस्तुतकर्ता के सरकार। मैंने बहुत से राधे दूल्हे के शोज देखे, अक्सर मैंने देखा है कि निर्देशक कंटेंट 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 समस्या कंटेंट समस्या कंटेंट समस्या इसी में उलझ के रह जाते हैं और कभी कभी प्रस्तुति बड़ी बोझिल भी लगने लगती है। एक अक्सर जब बहुत अच्छे एक्टर इसको करते हैं, बहुत मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को इसको परफॉर्म करते हुए देखा है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टर्स को, और जब इसको परफॉर्म करते हैं तो अपनी एक्टिंग से इतना भरने की कोशिश करते हैं कि हर जगह एक्टर बन जाते हैं, पात्र हो जाता है। मुझे आज की प्रस्तुति में भले ही बहुत उतना मजा हुआ अभिनय नहीं था, लेकिन पात्र पूरी तरह मुझे ऐसा नहीं और ऐसे ही होता है। इसको इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन, इसकी मंच परिकल्पना और निर्देशन का शुभम गौतम है। और हमारे निर्माता जो है श्याम दुबे जी स्टार्टअप के, उनका सम्मान। डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, इसके जो निर्माता थे स्टार्टअप श्याम दुबे, निर्माताओं को पता कम से कम अभी करने लगे नाटक वाले बहुत अच्छा लगने लगा, निर्माता होने का नाटक में बहुत बोल रही अरे प्रस्तुति को इतने खूबसूरत तरीके से निर्देशित किया था शुभम गौतम ने, उनका भी सम्मान। शुभम दो शब्द हो गया, ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने लगातार आने की कोशिश में है और सब भी ऐसे जो नाटक की तैयारी में निकल रही है और वो आपके सामने प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जज्बा है परिवार को हमेशा बाद में आदमी को लगता है परिवार ही खड़ा रहता है और ये रिसेप्शन उन्होंने शुभम ने दिया, यही दृश्य है। बाद में आदमी को लगता है कि मेरी जड़ कहाँ थी और कहाँ से किसने मुझे पानी दिया, मैं इतना बड़ा पेड़ था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सर्दी में भी आकर आपने नाटक का इतना भर के सारे लोग जो आए
बुरा हॉल लगे नहीं रहा था, नॉर्मल डेज की तरह पूरी तरह बना हुआ था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभरात्रि, धन्यवाद।